अनोन चैनल है जिसका नाम न्यू चेंज करके कर दिया गया है सारंगे। आई होप आप ये वीडियो पसंद करेंगे। गुड, वेरी गुड। आज के लिए बस इतना ही। सी यू। क्या तुमने हान को देखा? उसने अभी फ़ोन को आंसर करा था और बाहर भाग गया। मेरी बुक स्टोर में आग लग गई। सिचुएशन कैसी है वहाँ? देखो जो फायर है वो तो हो बुझाई जा रही है और कोई भी इंजर्ड नहीं है, बट अभी भी हमें अंदर की कंडीशन नहीं पता। एटलीस्ट कोई भी किसी को चोट नहीं लगी। क्या तुम जानते हो फायर कैसे लगी? अभी नहीं बॉस, बट जब फायर करी थी तो प्रेसिडेंट इंस्पेक्ट कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट हर्ट हो ही चुके थे। प्रेसिडेंट? हाँ, ये जो मॉल है ना वो एजी ग्रुप ने खरीद रखा है और जो न्यू प्रेसिडेंट है मिस्टर जिन इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे। ये तो वही नहीं 3 साल पहले। शिट, इन्होंने मुझे दोबारा ड्रिंक करवाया। अब मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये कौन है? ये तो सपोज होना चाहिए था। शिट, तुम हो कौन? एक्सक्यूज मी, मैं गलत रूम में आ गया। तुमने वो देखा? इसे इंजेक्शन दो। क्या? मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं ड्रंक हूँ और मैंने गलत रूम में दरवाज़ा खोला। प्लीज़ मुझे जाने दो। रिलैक्स, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। तुम बहुत जल्दी बेहोश हो जाओगे। तुमने अभी वो देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। इसे बाहर फेंक दो, पंगे मत लो। हाय, इसकी स्माइल इतनी क्रीपी है। मैं श्योर नहीं हूँ बट ये तो इसकी तरह, तुम उस आदमी की तरह लगते हो जिससे मैं पहले मिला था। शायद मेरे पास उनमें से एक चेहरा है। सिर्फ मिला था, जानते नहीं हो? क्या ये वही तो लड़का नहीं जो फायर ड्यूटी रिपोर्ट थी? वो था लैश एवोल्यूशन रिपोर्ट के। तुम्हें वो रिसीव करोगे तुम। ओके, सी यू। वो लड़का, ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो। तुम्हारा रिएक्शन ना मुझे क्यूरियस बना रहा है कि तुम्हारे बीच में और उसके बीच, उस लड़के के बीच में क्या हुआ था। उसके बाद मैंने बॉडी चेक करी थी बट कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हिलता। उन्होंने मुझ में क्या इंजेक्ट करा था? हाँ, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल करा था। हाँ, ऐसा लगता है मैं उस लड़के से मिला। उस लड़के से? तुम्हारा मतलब वो 3 साल पहले वाला? तुमने इतना सब कुछ कहा है, शायद वो एक दूसरे की तरह लगते होंगे। मैं उसकी तरफ उसमें जानकारी निकाल सकता हूँ उसके बारे में। अगर तुम अभी भी चिंता कर रहे हो तो मुझसे ज़्यादा नर्वस हो, बट तुमने मुझसे कहा था कि आराम से लो। मैं भूल ही गया था कि जी को बताना कि फायर लगी थी बुक स्टोर में। ऐसे ही अगर कुछ होता है तुम्हारे साथ तो मैं क्या करूँगा? भूल जाओ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ बिना इसे बताए। हाँ, यह बहुत लेट हो चुका है, हमें बेड पर जाना चाहिए। मुझे नीचे उतारो। नो वे, तुम इसे किस लिए यूज़ करोगे? मेरे जिन्हें पिक, ऑफकोर्स। ये जो तुमने पूछा था, जो करंट प्रेसिडेंट है एजी ग्रुप का, वो एब्रॉड में बड़ा हुआ है। क्या तुम श्योर हो वो चाइना में इन सालों में नहीं आया? सर, ये बहुत हार्ड है, एंट्री एग्जिट के रिकॉर्ड। ये मुझे बहुत काम लिया ये सब पता लगाने के लिए। यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं कि फेक है। फाइन, मैं तुम्हें तुम्हारा बैलेंस बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगा। नॉट बैड, मुझे डबल मिला। डन, दैट्स इट। क्या तुम पर बस यही है? मैंने तुम्हें बताया था तो मुझे वो जल्दी देखोगे। देखो तुम अब आ रहे हो। मिस्टर जिन, $30 मिलियन कुछ ज़्यादा ही नहीं है? क्यों, जितनी भी डिटेल थी वो 30 मिलियन क्लियरली लिस्ट करी गई है। मिस्टर जिन, मैं एडमिट करता हूँ एक शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ने फायर लगा दी और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरी होनी चाहिए। हावर जो है फ्यूचर फायर इक्विपमेंट था वो मॉल में फेल हो गया था और जो डैमेज फायर स्प्रेडिंग थी ना वो मेरी नहीं थी। तुम काउंट क्यों नहीं करते?
जो इम्पैक्ट पड़ा है फायर का उस मॉल पे, और पब्लिक ओपिनियन, कम कस्टमर ट्रैफिक, और जो कितने सारे यूनिट कॉस्ट हुए थे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दूंगा पैसा बढ़ाने के लिए। अगर तुम अपना घर, अपना कार ये सब भी कर दोगे तब भी क्लोज नहीं है, और उससे ज़्यादा। या फिर तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का घर, तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करा, मुझे बता दो मैं कैसे अपना कर्ज़ा चुकाऊं। स्मार्ट, मैं सिर्फ अभी चाइना पे आया हूँ और मुझे कोई चाहिए ताकि वो मेरे साथ किसी चीज़ों के काम में आ सके, तो अब से मेरी सेक्रेटरी बनो। मैं ही क्यों, ये चेहरा, मैं जानना चाहता हूँ वो इंजेक्शन तुम पे काम क्यों नहीं करा। मुझे जाने दो, तुम क्यों रेसिस्ट कर रहे हो, जस्ट मुझ पर थोड़ा सा फेवर कर दो। मिस्टर जीन, सब कुछ रेडी है, मुझे जाने दो, तुम क्या चाहते हो। जेनी, तुम करने के वाले हो, ऑफ कोर्स, डोंट वरी, मैं तुम पे कुछ नहीं करूँगा, बट मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारी बॉडी में है। वो इंजेक्शन एक तरह की मेडिसिन थी जो कि तुम्हें कुछ भूलने पे भुला सकती थी। इसे कहते हैं एक्स माइनस जेड। ये तुम पे लास्ट टाइम काम नहीं करा तो इस समय तुम एक्स माइनस जेड 2.0 ट्राई कर सकते हो। रिलैक्स, मैंने चाहता कि तुम्हें चोट लगे। मैं कैसे आया, वाह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारा जो अमेजिंग के रिकवरी कैपेबिलिटी इतनी होगी। ऑल राइट, कोई तुम्हें घर लेकर चल जाएगा। नो थैंक्स मैन, नो वे, तुम्हें असोल्ट करा जाएगा अगर तुम घर ऐसे जाओगे। क्या तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो? यस, एक अब्रॉड में शो है, उनका मॉडल का ना क्रैश हो गया था तो उन्होंने मुझे बैकअप के लिए मांगा। मिस्टर जैंग जैनजे, प्लीज़ हमें मदद करिए। देन मैं तुम्हें कब तक, लंबे समय तक नहीं देख पाऊँगा, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। समय पे खाना खाना जब तुम अकेले हो, घर पे रहना। क्या तुमने सुना? हाँ मैंने सुन लिया। नैगिंग करना बंद करो एक बूढ़े आदमी की तरह। क्या मैंने अच्छी तरह से एक्ट करा? ऐसा लगता है उसने मुझे सस्पेक्ट नहीं करा। जो इंजेक्शन उसने मुझे दिया था वो मेडिसिन था जो मेरी मेमोरी लॉस कर देती, उसे कहते हैं एक्स सेट। रियली, वो जो मेडिसिन है एक को मेमोरी लूज़ करवा देती, बट मेरे पे काम क्यों नहीं करी? ये फिजिक है क्या? वेट, यहाँ पे कोई अबनॉर्मल फिनोमिना नहीं थे मेरी बॉडी में। मैंने पुलिस का कॉल नहीं करा ताकि मुसीबत को मैं अवॉइड कर सकूँ, इसलिए तो 3 साल हो चुके, बट वो अब आया है। क्या कोई कोइंसिडेंस है? और फायर भी हुई जब जिन ये वहीं पर था, और जो डैमेज रिपोर्ट है इतनी, 2 शॉर्ट दिन में ऐसा लग रहा है सब कुछ प्लान था। मैं उसे पता नहीं लगने देता कि ये वाला भी मुझ पर काम नहीं करा। ऐसा लगता है मुझे सिर्फ प्रटेंड करना होगा, बट उसे जल्दी से जल्दी पीछा भी छुड़ाना होगा। मैं क्यूरियस हूँ, वो अचानक से तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? कौन सी चीज़ तुम्हें अफेक्ट कर चुकी है? जब मेरे नाना मर चुके थे मैंने कुछ ढूंढा। हाँ, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो पहले? आई सपोज, बट मुझे याद नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ रोकने से पहले डॉक्टर ने तुम्हें एडवाइस कराया ताकि तुम रिसेप्शन ऑपरेशन करो, बट उसने मुझे बताया था सर्जरी है ना, वो मुझे मेरी मेमोरी लूज दोबारा करवाएगी। मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि कुछ याद करना जब तुम ऑलरेडी भूल चुके हो। यह ऐसा नहीं है, नहीं, मुझे कुछ लगता है कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल चुका हूँ जो मेरे लिए है। देन तुम रिसर्च मेडिसिन दूसरे लोगों पे क्यों ट्राई करो अगर तुम अपनी मेमोरी करना चाहते हो? मैंने आग के साथ खेलने के लिए आग से ही खेलना प्लान कराया है। तुमने वो रिपोर्ट के 3 साल पहले रिपोर्ट ही नहीं करा? जो रिपोर्ट के ऑफर करा था उसमें कुछ भी वियर नहीं था, बट वो इंजेक्शन जो मुझे एडिकेट कर देता या फिर मेरी मेमोरी लॉस करवा देता, बट तुम अभी भी याद है कि ली, या फिर वो एक प्रैंक था? इम्पॉसिबल, इंजेक्शन वो रियल था। सर, हम एविडेंस से चलते हैं। एविडेंस क्या?
क्या तुम्हारा अकाउंट भी फ्रॉज कर गया? क्योंकि फायर बुक स्टोर में हो गई थी ना, मैंने स्ट्रिक एक्सेस करा इस कंट्री से एमडी सब, उसने सब कुछ प्लान करा था। आपको वीडियो कॉल पर इनवाइट करा जा रहा है क्या? तुम बिजी हो इन दोनों, यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं है तुम्हारे तरह से। मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर तुमने अचानक से क्यों कॉल करा? क्या तुम आज रात वापस आओगे? इसे ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक एडिशनल वन है, मुझे यहाँ थोड़े और दिनों के लिए रहना है। क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? श्योर, ये मुझे मार दोगे? अभी वहीं सेफ रहना, जब वो यहाँ होगा तो मुझे उससे सीक्रेट रखना होगा। अगर वो यहाँ होता तो मुझे उससे सीक्रेट नहीं रखना पड़ता, बहाना बनाना पड़ेगा। ओह कोई आ रहा है, मुझे जाना होगा। ओके बाय, मुझे जल्दी से अपनी लिखाना होगा उससे पहले कि मैं कर्ज़ा चुका पाऊँ। शिट, इतनी जल्दी? प्लीज़, ये थोड़ा लेट है, तो यहाँ पे 8 o'clock आ जाना हर सुबह। तुम्हें प्रिपेयर करना होगा सब कुछ। जाओ मेरे ब्रेकफास्ट बनाओ। ब्रेकफास्ट देन? नहीं, तुम्हारे सामने क्या है? जल्दी से, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा नीचे इंतज़ार करो, मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ। क्यों? मैं अपने बड़े भाई को चेक करने आया हूँ, क्या मुझे अपॉइंटमेंट बनाने की लेने की ज़रूरत है? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? आफ्टर ऑल तुम इतने सालों से वापस नहीं, मैं तुम्हें देखने आया हूँ तुम्हारे ओल्ड मैन के लिए। उसके लिए देखने आए हो? क्या वो डिसेबल हो चुका है? अपना मुंह संभाल के बात करो। तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो उसकी तरफ से? फूड रेडी है? हाँ, इतने सारे लोग क्यों? इसने अपने कपड़ों के साथ क्यों पहन रखा है? कितना स्ट्रेंज है। मिस्टर लैंग, यहाँ मत रखो, चलो चलते हैं। तुमने अभी कहा था कि तुम्हें भूख लग रही है और तुम्हें बिना खाए जाने वाले हो। तुम मेरे बॉस हो क्या अब? डैम, ये इलिमिटेड ना, उसकी हिम्मत तो देखो कैसे कर रहा है। देखते हैं बस क्या होता है, मुझे इसे फिक्स करना होगा। वो आदमी कौन है? वो 3 साल वाले वाला है। वेल आई सी, मैं इतनी जल्दबाजी में आया, मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा। क्या तुम बहुत अच्छा कुक है? क्या इडियट रिच की रही है? इसने मुझे अपने लिए टाइप करवा रहा है। वेट एंड सी, मैं जल्दी से तुम पे करूँगा। बाहर आओ, इसे ड्रेस अप करने के लिए जाओ। किसके लिए? एक बॉस तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। रिलैक्स, जब तक तुम बिहेव करोगे मिस्टर जैंग तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें डिफरेंट नहीं करेंगे। नो, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता और कुछ ना करूँ। ये पीनट्स शायद, नो नो, मुझे शांत होना होगा। यहाँ पे एक ही रास्ता है करने के लिए। तुम हैं नोना जो मिस्टर जिन ने अभी बताया था? वेल हाय मिस्टर जैंग, तुमने ना खा लिया सारा? क्या तुम भूखे थे? नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूँ? ना थैंक्स, मुझे लगा था कि मैं गलत रूम में से। आफ्टर ऑल तुम बहुत डिफरेंट हो तुम्हारी पिक्चर से, बट मैं तुम्हें किसी भी स्टाइल में पसंद कर लूँगा। मिस्टर जैंग, मिस्टर जैंग, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तुम ये करने के लिए तैयार हो? तुम यहाँ दोबारा से क्यों? हे, वो वहाँ चले गए। क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो लाइव शो नहीं पहुँचने देखने के कारण, और या फिर वहाँ पे भी कैमरा है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जाओ यहाँ से। ये चैंग जिन था जिसने चार्ज लिया था तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल आर्टिकल का, तो तुमने रिपोर्ट रीड करो रिजल्ट करा था, बट इस समय तुमने उसे याद है और तुम उसके बारे में केयर भी करते हो। क्या तुम्हारा कोई क्रश है उसके ऊपर? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है? नो, मुझे तुम्हें सिखाने दो। मिस्टर जैंग, मैं भी रेडी नहीं हूँ, बट मैं वेट नहीं कर सकता। आप कोई रिजेक्शन नहीं, मुझे पुश मत करो। मिस्टर जैंग, मुझे इची फील हो रहा है। मिस्टर जैंग, बहुत इची है, मेरी मदद करो, मुझे टच मत करो। क्या तुम्हारा उस पर कोई क्रश है? तुम हंस क्यों रहे हो? अब मुझे फाइनली पता चल गया तुम इतने क्रैप क्यों हो। यहाँ पे कुछ है अफेयर्स के अलावा तुम्हारे दिमाग में? तुम मुझसे दूर रहो ना। अब तुम उसे पसंद नहीं करते तो ये बहुत ईजी होगा। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे लेकर जाने वाला हूँ।
तुम मेरी चीज़ें छीनना चाहते हो, तुम ट्राई कर सकते हो। मिस्टर जिन, मिस्टर जैंग के साथ कुछ गलत हो गया है। इसके साथ क्या हुआ? मिस्टर लैंग को एलर्जी है पीनट से, इसे आप एडमिट दे चुका है, वो अब ठीक है। पीनट से एलर्जी? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे फिजिकल कंडीशन टेस्ट करना चाहता था एलर्जी के बाद। तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस बेटर है जितना मैंने सोचा था। ये बहुत लेट है, तुम थक चुके होगे ना। तुम यहाँ क्यों हो? जो ब्रेकफास्ट था तुमने बनाया था ना, वो इतना बुरा नहीं था। हटो यहाँ से। वेट, मुझे फिनिश तो करने दो। क्या तुमने नोटिस करा मेरा भाई तुम्हें डिफरेंट वे में ट्रीट करता है? तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे अंदर है? क्या तुम पागल हो? जस्ट तुम्हारे और मेरे बीच में उसके पास बैड मेमोरी है। जो भी वो इन लोगों को याद कर पा रहा है इन दोनों, वो सिर्फ फाइफ ही हैं। तुम बेटर है कि कुछ कम ड्रामा देखो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, प्लीज़। इसका जो ब्रेन का ना वो इमोशन जो कंट्रोल करते हैं, उनका रिस्पॉन्स ही दूसरे बच्चों से भी बहुत ग्रेट था। और जब एक बार कोई छोटी सी भी वॉइस ना एक अनबियरेबल पेन ला सकती थी, डॉक्टर के एडवाइस से उसने डिस्पेंसरी सर्जरी करी पेन को रोकने के लिए। वो सक्सेसफुल सर्जरी थी, बट उसको स्क्वेला था। उसके बाद वो इंडिफरेंट बन गया, उसको कोई भी इमोशन नहीं बना सकता था। और वो कम्प्लीटली उसकी मेमोरी लूज कर गया था, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हुए थे। वो फाइट कर रहा है उसके अंकल से बचपन से। 10 साल आए के बदले आए, ये उसका मोटो है। और वो एजेंटियम मेमोरीज के बारे में उसे ये बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो यूजली डिफीट करता है और उन्हें जेन्युइन पिक बनाता है। और ये मरे हुए ज़्यादा होते हैं जिंदा से। एज फॉर यू, तुमने उसको वो करते हुए देख लिया था और तुम्हें फिर इंजेक्शन दिया गया। उसने तुम्हें 3 साल के बाद भी वो तुम्हें याद कर रख रहा है, और इसने तुम्हें ले लिया सिर्फ इंजेक्शन देने के लिए। तुम्हें नहीं लगता है अनबिलीवेबल है? और मेरी फैमिली का ट्रेडिशन है, जो भी तुम्हें खुद अच्छा लगता है, जो तुम्हें बिलोंग नहीं करता, सिर्फ उसे छीन लो। अगर ये ओबीडिएंट नहीं है तो डिस्ट्रॉय कर दो उसे फर्स्ट, और फिर सेव कर लो जब वो डेस्परेट हो, ताकि उसे एक होप दे सको। ये सिर्फ तुम पे भरोसा करता है कि तुम किस पे बिलीव करते हो। तो तुम सिर्फ यहाँ आए अपनी बकवास करने के लिए और मुझे बिलीव करवाने के लिए कि ये मेरे अंदर है? हाँ, वो तुम्हारे अंदर है, तुम डिफरेंट हो सब उसके लिए। ये तुम्हारा चांस है। क्या तुम उससे पीछे नहीं छोड़ना चाहते? उसके क्लोज जाओ और कुछ ले लो जिससे तुम उसे डरा सको। मेरे साथ हाथ जोड़ लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्रेन ब्रेक के लिए। उसने तुम्हें एक प्रेवेंट के पास भेजा था और तुम्हारे रिएक्शन वॉच कर रहे थे, और तुम्हें तुम्हारे लिमिट तक पुश करा, और जो अजमेर से एक्सपेरिमेंट प्लान के लिए, वो उसके पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जेन्यू पिक। और उसके एक्सटर्नल नीड्स चाहिए। वो कभी रिलेशनशिप में नहीं है, शायद वो एक तुम्हारे साथ ट्राई कर सकता है ताकि उसकी मेमोरी को करवा सके। तुम्हें क्या लगता है मैं इस पर बिलीव करूँगा सिर्फ कुछ ही वर्ड्स पे? तुम्हारे पास अभी तक कोई रास्ता तो है नहीं क्या? तुम पे अपना समय लो, मैं तुम्हारे आंसर का इंतज़ार करूँगा। दोबारा सोचना। अगर तुम श्योर नहीं हो उसके एटीट्यूड से, तो तुम एक रास्ता ढूंढ सकते हो टेस्ट करने के लिए। मैं उसमें इंटी हूँ। टेस्ट? गुड आइडिया लग रहा है ये।